सुंदर सुंदर वीडियो बनाई है और डांस भी की है। सांबा सांबा। मेरी लाइफ में सो फ्रेंड, मैं रील बनाने जा रही हूँ। रील बनाने के लिए रेडी हूँ। इतनी गर्मी में खुले बाल कैसे रखूँ, पर मुझे खुले बाल बहुत पसंद है। और ट्विंकल के साथ भी बनाना है, सो ट्विंकल छिप रही है। सो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ वीडियोस बनाने, बट मेरे बाल बहुत लॉन्ग है, सो अभी खोल के बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट सिल्की है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी गजन नहीं है ना, तो फिर बहुत मोटा बाल नहीं है, इसीलिए खोल भी लूँगी तो दिक्कत नहीं होगी। और हाँ फ्रेंड, मेरी प्रेगनेंसी का आज 8वां महीना स्टार्ट हो गया है, 7 मंथ पूरा हो रहा है। सो मैं देखिए एक सिंपल सा कुर्ती और ये पहनी हूँ बस सलवार, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मेरा मन था कि मैं एक डांस से वीडियो बनाऊँ और साड़ी में वो डांस हो नहीं पाता, तो मैंने सोचा सूट में ही बनाती हूँ। बट मैं अभी सूट में ज़्यादा टाइम नहीं रह पाऊँगी क्योंकि मुझे नाइटी कंफर्टेबल लगता है, तो अभी वही पहनूंगी। बट मैं सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊँ। सो दोस्तों, आज मैं बहुत सारा रील बनाऊंगी, पूरा वीडियो देखिएगा। कल भी मैंने अपलोड किया था वीडियो, परसों भी, 4 दिन से मैं लगातार ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आज भी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैंने 4 शॉट आज भी बनाया है। सो प्लीज़ देखिएगा दोस्तों, बड़ी मेहनत पड़ती है मेरे, सच में मैं वीडियो 2-2 घंटा बनाती हूँ, खड़ा रहती हूँ, मेरे पीठ में दर्द होने लगता है क्योंकि गाना सेलेक्ट करो, एक बार बनता है ख़राब हो जाता है, फिर बनाओ फिर ख़राब हो जाता है, इसी तरह ना पूरा 4 घंटा 2 घंटा निकल जाता है। तब तक जब तक वीडियो में बजी रहती हूँ, मैं पानी भी नहीं पीती, बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत होगी। टीवी मत ऑन करो। तो ट्विंकल, ट्विंकल आज बहुत सुंदर, तो ट्विंकल आज बहुत सुंदर वीडियो बनाई है, ट्विंकल का वीडियो जरूर देखिएगा। ट्विंकल देखो, ट्विंकल फ्रॉक पहनाई है अपने टेडी बियर को। ये क्या, हमारी बहन है? बहन है? तुम्हें बहन का शौक है क्या? तो दोस्तों, मेरा न्यू बेबी बॉय आएगा कि गर्ल, कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया है और मेरा देखिए इतना सारा पेट भी निकल गया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट सच में ये मूवमेंट जो होता है ना, अभी तो मेरा बेबी किक भी करने लगा है। सुबह में जैसे ही कुछ खाती हूँ, मुँह में डालती हूँ ना, कुछ भी दूध चाय नाश्ता कुछ भी करती हूँ, तो ऐसे ही मुझे मूवमेंट होने लगता है कि बच्चा ऐसे रह ही रहा है पेट में, तो सब कुछ अब मूवमेंट मुझे पता चलने लगा है, इस मंथ से पता चलने लगा है, अभी तक नहीं पता चल रहा था, बस इस मंथ से पता चल रहा है। सो ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है सच में, जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो कुछ दिन ना पेट ऐसे खाली खाली लगता है और वही चीज़ें फिर महसूस नहीं हो पाती जो इस टाइम हो रही है। सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इतनी दिक्कत है प्रेगनेंसी में, इतना काम भी पड़ रहा है, फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे ये मूवमेंट बहुत खुशी दे रही है। और अभी ट्विंकल दिन भर हाथ रख के सुनती रहती है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। सो ये देखो सब पहनाई है, और ट्विंकल का ये सारा खिलौना, आज ट्विंकल वीडियो बनाने के लिए सारा खिलौना इकट्ठा किया है। और ये देखो सारा बिल्ली, सब इसके जानवर, सब इसके बर्ड और एनिमल्स ही इसके सारे फ्रेंड है, ये ज़्यादा टेडी बियर और गुड्डिन वगैरह, गुड़िया तो कभी खेलती ही नहीं, दो तीन बार गुड़िया ली है। क्यों ट्विंकल शरारत कर रही हो, क्यों शरारत कर रही हो? अच्छा, और बताओ किसके वीडियो बनाई हो आज, किसके वीडियो? तो मेरी बिटिया रानी आज वीडियो बनाई है। किससे बनाई हो बिटिया रानी, किससे बनाई हो बिटिया रानी वीडियो? आज मेरी ट्विंकल बहुत सुंदर सुंदर वीडियो बनाई है और डांस भी की है। सांबा सांबा। आपको बताओ, आपको बाबू आएगा कि बहन आएगी? आपको भाई, बाबू आ गया, बहन आएगी आपकी, आपकी भाई आएगा? बाबू आएगा, बाबू आएगा। ट्विंकल की बात कितनी सही होगी, वो तो आप डिलीवरी के बाद ही देख पाओगे। भगवान में तो हम लोग कुछ भी नहीं है, जो है भगवान ही है, उन्हीं की मर्जी से सब कुछ होता है, जो देंगे वही एक्सेप्ट होगा। इतना सुख पाने के बाद जो भी गोद में आता है ना, बहुत खुशी। अरे जुड़वा, अरे नहीं जुड़वा नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जुड़वा होता तो पता चल जाता, जुड़वा नहीं है, बाबू है, दीदी है। अच्छा ठीक है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या होगा, चलिए गेस करिएगा आप लोग। बाबू होगा, बाबू होगा, ट्विंकल तो कंफर्म है, बट आप लोग बताइएगा। सो हमारे घर में भी सब लोग चाह रहे हैं कि पहले से ट्विंकल है तो एक बाबू हो जाए, फैमिली पूरा हो जाए और मुझे छुटकारा मिल जाए। ये शादी भी होएंगे पापा, पर पता नहीं क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं है, भगवान जो देंगे। अगर गर्ल्स भी हो जाती है तब भी मैं उतनी खुश हूँ, क्योंकि मैं ट्विंकल को कभी बेटे से ज़्यादा, बेटे कितना ही प्यार की हूँ, कभी मुझे नहीं लगा कि ट्विंकल मेरी बेटी है, मैं बेटे से भी ज़्यादा प्यार की उसको।
और इसके डैडी भी इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बेटे से भी ज़्यादा। सो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बस माँ जी मेरी सास चाह रही है कि इस बार होता आ जाए। हर सास चाहती है, वैसे वो भी चाहती हैं, पर देखिए क्या होता है। जो भी होगा आपको डिलीवरी के टाइम पे तो पता ही चलेगा, क्योंकि मेरा वीडियो तो बनता ही रहेगा, वीडियो नहीं रुकने वाला मेरा, चाहे जो हो जाए मेहनत करती रहूँगी मैं। और आप लोग लाइव में भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अभी मैं धूप में भी जाकर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जेठ की तो पहरी में पाँव जले है, राजा पाँव जले है। जेठ की तो पहरी में पाँव जले है, राजा पाँव जले है। पाँव अपना जला जला के वीडियो बनाऊंगी मैं इस गाने पे। अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं किए ना, तो मैं जलाती रहूँगी अपने पैर। तो मैं जा रही हूँ, आज मेरा मन कर रहा है वीडियो ढेर सारा बनाने का, तो चाहे धूप लगे चाहे छाँव लगे मैं तो आऊँगी। सजन मैं तो आऊंगी, एक पल भी तन्हा तुम्हें छोड़ तो कैसे, किसी साथन से पाला ना पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी, मेरे हस्बैंड जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं। सो चलिए गाइस, मैं धूप में भी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ और उसके बाद ब्लॉगिंग खत्म करेंगे, क्योंकि आज तो कब, आज मैं दोपहर में हाँ तो हाँ का बोला थी। सो देखिए मेरा धूप में खटिया जल रहा है। शाम को हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, हवा आता है इस पेड़ से, तो यहाँ पे बैठते हैं, तो दिन में भी कोई रखने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा वज़न है, मुझे उठाना नहीं है तो मैं नहीं उठाती। सो फ्रेंड देखिए मैं धूप में भी आ गई, जेठ की दोपहरी में पाँव जले राजा पाँव जले। ये वाला वीडियो बनाने की मेहनत करती रहूँगी जब तक मैं पूरा सफल नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ऐसे ताने मारे ना कि कुछ नहीं होता, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, ये फालतू का काम है, पागल है ये, तो बहुत सारे ताने वगैरह मैं सुनी हूँ। तो मुझे अब मुझे ज़िद्द सी हो गई है, जुनून सा हो गया है कि नहीं, वीडियो भी बनाना एक कला है, एक मेहनत है, और मैं उसमें सफल होकर दिखाऊंगी। कि मैंने वाशिंग मशीन का अपने कवर भी बनाया है, तो आज मैंने काम किया है कुछ। कपड़ा उठा लो बेटा, बारिश हो, लग रहा है बारिश आएगी, रुक जाओ। तो देखो तिवारी जी हमारे चले गए, पर उनका कुछ कपड़ा यहाँ छूट गया था, तो मैंने आज धुल के उसको रखना है। हाँ ले लो मेरा नाइटी। पका है क्या ये? हाँ। पका नहीं। पका है यार, पका है ये, देखो ये दिखने में हरा लग रहा है, पका है सब। चलो इस सीजन है यार, तो धूप चली गई है, तो लग रहा है बारिश होगा। थैंक गॉड, भगवान भी कितना मेरा साथ देते हैं। देखिए मैं वीडियो बनाने आई थी, अभी अचानक से देखिए बादल छा गया, लग रहा है बारिश होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि चलो बेटा मैंगो लेके नहीं अंदर चलो, बारिश होने वाली है। पूरा बर्फ़ जम गया है, कैसे पिया जाएगा, सारे बॉटल में बर्फ़ जम गया है। आज मैं पानी निकाली नहीं, ले कैसे पियोगी? देखो मुझे प्यास लगा था, मैंने सोचा चाय फ्रिज से लेके पानी पी लूँ, तो ये पूरा बर्फ़ जम गया है, कैसे पियेंगे ट्विंकल इसको? इसको खोलो पहले। मैंने बादाम और गुड़ लाया था पानी पीने के, गुड़ से ना बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में, बहुत गुड़ फ़ायदेमंद है, और गुड़ से बहुत ज़्यादा पानी भी पिया जाता है। हेलो ट्विंकल, तो पूरा बर्फ़ जम गया है, ये वाला नहीं जमा है ना? हाँ यही वाला दे दो, ये ठंडा है। लोटा का पानी फ्रिज में रखी थी क्या? हाँ। इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में ना, हाँ इससे सिकैया कर लो पूरे बॉडी का, ठंडा हो जाएगा। अरे धूप है नहीं, बहुत जल रहा है बेटा मेरा, देखो पाँव जल रहा है, तुम्हारा नहीं जल रहा है? जलेगा जलेगा। अरे मम्मा ना दो ना, अभी खाना, अभी इसको छीलना पड़ेगा बाबू, अनार खाने में बड़ी मेहनत है इसको, बहुत ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, इसको काटो, ये फिलीम में लगा था, बहुत ठंड लग रहा है, हां ठंड लग रहा है। फिलीम में था। तो फ्रेंड वीडियो बनाते बनाते मैं पूरा थक गई, आज मैं बस यही काम की हूँ कि मतलब सारा घर का काम खत्म करके वीडियो बनाई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और मुझे अपना बहुत थोड़े थोड़े देर में भूख लग रही है। सो 8 मंथ मेरा स्टार्ट आज हो गया है, और इसी वजह से मुझे भूख भी लग रही है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत है, 2 मंथ बचे हैं मेरे। सो फ्रेंड अभी मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, सो मैं अनार खाने जा रही हूँ, कट करके अनार खाऊंगी, उसके बाद मैंने पानी पिया है, अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। क्या हो गया? देखो मैं आला बना।
गार्डन। मम्मी छतनी में पानी भर दो। अभी तो बारिश होने वाली है क्या? फिर मैंने कल पानी दिया था, कल मैंने मोटर स्टार्ट किया था सब पानी। वैसे भी सब सब्जी सूख ही गया है, क्या मतलब है? सो फ्रेंड, मैंने बहुत काम किया है आज सब्जियों में। देखो मैंने पानी दिया है, मेरी भिंडियाँ हैं थोड़ी सी तैयार हो रही हैं, देखो छोटे छोटे लगे हैं अभी, कल मैंने तोड़ा था थोड़ा थोड़ा। देखो यहाँ पर भी भिंडी पड़ रहा है, ट्विंकल दिखा रही है। देखिए ये सब, ये बीन्स है, हरा मिर्च है, बस ज़्यादा सब्जी नहीं है, सब सूख गया। धूप उधर बहुत धूप हो रहा था, सूख गया सब। थोड़ा क्या है, चलो 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 अंदर चलो चलो। अब वीडियो भी बना ली है बेटा, अब धूप भी नहीं है, लग रहा है बारिश होगी। चलो 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 जल्दी से, अब कोई भिंडी नहीं। अब रहने दो बाबू, उसमें भिंडी में ना वो हल्के हल्के कांटे से होती हैं, इसका सख्त होता है पत्ता, हाथ में गड़ जाएगा। चलो तो ट्विंकल हमारी काम बहुत करती है। चलो चलो बहुत बोलती है। अरे सो ट्विंकल, इतना छोटा सा कद्दू पा गई, यहाँ पे था तोड़ ली। चलो कोई बात नहीं है, बड़ा होगा भी नहीं, ये गर्मी वाला कद्दू बड़ा होता नहीं है। सो फ्रेंड लोगों को दिखाऊं, सो फ्रेंड देखो कद्दू हमारे यहाँ है, आपको ले जाना है तो ले जाइए, दो लोगों की एक लोगों की सब्जी हो जाएगी। हाँ ले जाओ, रख दो इसको फ्रिज में रख देना, ठीक है? ठीक है, ये पत्थर है। सो फ्रेंड अभी सब्जी अभी तोड़ लिया हम, लग रहा है बारिश आएगी, आंधी तूफान सा लग रहा है। अरे आंधी चलने लगी ट्विंकल, देखो 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 हवा चलने लगा, ये देखो। सो फ्रेंड लग रहा है आंधी तूफान आएगा, मैं तो वीडियो सब बना ली तब भले से बारिश और तूफान आने लगा। अभी तो मैं वीडियो बना रही थी तो चिलचिलाती धूप थी, और अभी बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हवा चल रहा है। क्या कर रही हो? अपने बनाई हो क्या? हाँ। ये ट्विंकल खुद से बनाई है, पता नहीं मेरे साड़ी वाड़ी का कपड़ा ना फटा वटा कहीं पर बहाया हुआ था बहुत दिन से, वहाँ से उठा कर लाई और बांध के झूला झूल रही है। और गिरोगी तब? नहीं गिरेंगे। और गिर गई तब बताओ क्या करूंगी मैं? दवाई लगा। अरे ट्विंकल आंधी आ रहा बाबू, आंधी आ रहा है, चलो। मुझे आंधी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है? आंधी मैं पाते ही। अरे 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 देखो दोस्तों आंधी आने लगा, ये देखो आप देख सकते हो उधर से बहुत तेज आंधी आ रही है। सो आ जाए तो बहुत अच्छा है। आज मैंने पिंक नेल पेंट भी लगाया है, मैंने देखा ही नहीं कि मैंने पिंक लगाया, मैं नेल पेंट लगा ली, मुझे ये नहीं पता कि ये पिंक कलर था, अभी देख रही हूँ। सोचो मैं कितनी बिजी रहती हूँ। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी है नजारा है, दिल ये समझेगा, दिल ये जानेगा, दिल का इशारा है मोहब्बत को, मोहब्बत से मोहब्बत ने पुकारा है। हवा चलती है तो गाना भी आता है, धूप थी अभी तो रुलाई आ रहा था, एक वीडियो बनाने में पूरा पाव जल गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।